और यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 8 बजे लखनऊ से निकलेंगे और दिल्ली पहुंचने पर योगी यूपी सदन जाएंगे और इसके बाद सुबह 11 बजे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर सुबह 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि आज की बैठक में यूपी के नए मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर लग सकती है। सभी नेताओं से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ लौट जाएंगे। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक वीडियो भी इसका बकायदा जारी किया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर जलते हुए जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पुख्ता संदेश यहां से रूस को देने की कोशिश की, हम पीछे हटने वाले नहीं, और इसके लिए वो वीडियोस भी लगातार जारी कर रहा है। और ये हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो अपने फीसना। यही वजह रही कि यूक्रेन ने रूस से युद्ध रोकने की मांग की, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से प्लांट को बिजली मिलनी बंद हो गई और उसके पास सिर्फ 48 घंटों का ही ईंधन बचा है, जिसके खत्म होते ही पूरे यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। ये खतरा बहुत बड़ा है, नस्लों को तबाह कर देने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिसका असर यूरोप के कई देशों में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस खबर के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है, दहशत में है। प्लांट से रेडिएशन ना हो इसके लिए जरूरी उपायों पर कदम उठाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। और यूक्रेन ने प्लांट में बिजली बहाल करने के लिए रूस से सीज फायर की मांग की, क्योंकि प्लांट के कूलिंग सिस्टम को चालू रखना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऐसी तबाही आएगी जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक पाएगी। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि रूस ने जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया है। और अगर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में बिजली नहीं आई तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में यानी आज से करीब 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद इतना जबरदस्त रेडिएशन फैला था कि आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उसी पर काबू पाने के लिए यूक्रेन के कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हें बंधक बना लिया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन के उत्तर में है, जिस पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। दावा है कि तब से यानी कि 17 दिनों से यूक्रेन के 200 से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और गार्ड चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ही फंसे हुए हैं, जिसके बाद IAEA ने रूस से अपील की थी कि उन्हें आराम करने दें और उन्हें अलग अलग शिफ्ट में बांटे। यूक्रेन का आरोप है कि उसके कर्मचारियों को खाने का पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, वहां से इन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा जाए। और उत्तराखंड में सीएम पद के लिए बीजेपी में रस्साकशी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज सतपाल महाराज, मदन कौशिक, रेखा आर्य और अजय भट्ट आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और वहीं कीव पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। अभी अभी रूस ने कीव पर मिसाइल से अटैक किया है। रूसी मिसाइल के कीव के हाईवे को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। हाईवे पर ट्रैफिक था, गाड़ियां तेज रफ्तार में भाग रही थी कि अचानक रूसी मिसाइल आकर गिरी और जिससे पूरे इलाका तबाह हो गया। पूरा इलाका धुएं के गुबार में भरा हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें